नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप और मेरे साथ आज कंप्लीट कर रहे हैं आशीष। आशीष, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। कल का सेशन हमने देखा, दो दिन की जो तूफानी तेजी थी, जो जबरदस्त तेजी इंडियन मार्केट्स में बनी थी, उसके बाद थोड़ा सा ठहराव कल इंडियन मार्केट्स में देखने को मिला। कल मुनाफा वसूली ज्यादातर जो खिलाड़ी हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनकी ओर से देखने को मिली, जिस वजह से मार्केट्स थोड़ा सा थमता हुआ दिखा है। एक्सपायरी का हफ्ता भी है और उसके साथ साथ आज ग्लोबल मार्केट से जो संकेत हैं वो भी सपोर्टिव नहीं है। आज देखिए एशियन मार्केट कमजोर खुले हैं। पूरा जो दारमदार है वो यूएस के मार्केट्स पे था। सेंसेक्स निफ्टी आप देखिए 11600 को बचाने की पूरी कोशिश हो रही है और एशियन मार्केट कमजोर है। ये इसलिए क्योंकि यूएस के मार्केट्स कल के सेशन में आप देखिए आधे से लेके 1.5% तक गिर के बंद होते हुए दिखे थे। यूएस में जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उनका इम्पीचमेंट हो सकता है। इनफैक्ट वहाँ की जो स्पीकर है, हाउस स्पीकर, उन्होंने तो इस चीज़ की घोषणा भी कर दी है क्योंकि उनके खिलाफ एक जांच बिठाई जाएगी। तो उसका जो इम्पैक्ट है यूएस के मार्केट्स में ऐसे हुआ कि डाओ आपको 142 अंक के नीचे दिखेगा, लेकिन ऊपरी स्तरों से अगर आप देखें तो करीब करीब 300 अंकों के आसपास की गिरावट थी। उसके साथ साथ आप देखिए एशियन मार्केट नीचे बंद हुए और कल यूरोपियन मार्केट्स में भी क्लोजिंग 0.5% के आसपास ही कमजोरी के साथ हुई है। हमारे लिए अगर आप राहत की बात देखें आशीष, तो वो ये है कि जिस तरह से कल यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में, ट्रंप साहब ने चाइना डील को लेकर जो अनाउंसमेंट किया है कि उनके साथ खराब डील नहीं करेंगे, यानी कि वो थोड़ा सा कड़ा रुख था उनका, तो उससे क्रूड कहीं ना कहीं गिरता हुआ दिखा। यूएस में एक भंडार बढ़ भी सकता है, ये भी आशंका है। उस वजह से देखिए क्रूड ने कल 2-3% तक का गोता लगाया। ये हमारे लिए राहत की बात है कि जो पहले ब्रेंट $65 के आसपास ट्रेड कर रहा था, अब देखिए $63 के नीचे है और $57 के नीचे आपको नाइमेक्स क्रूड के लेवल्स नजर आएंगे। तो ये कुछ पॉजिटिव है जिसे हम देख सकते हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो आज संकेत खराब भी है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अब आपकी लिस्ट में बिकवाली के ट्रेड्स कितने हैं? संदीप, इंटरेस्टिंगली आज बिकवाली का ट्रेड एक भी नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अभी भी ड्यू है मार्केट में। FIIs की तरफ से अभी भी कैश सेगमेंट में उतनी खरीदारी नहीं आई है जितनी आनी चाहिए थी। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन दिखा है, कहीं पे रिवर्सल है, कहीं पे ब्रेकआउट है, कहीं पे खबरों वाले स्टॉक है, या फिर कोई सेक्टर है जो आज फोकस में रह सकता है, तो वो सारे स्टॉक्स मैंने चूज किए हैं और लेकिन सभी बाय साइड पर है। चलिए अच्छी बात है आशीष, कमजोर भले बाजार खुले लेकिन पॉजिटिव है और निचले स्तरों पर खरीदारी करने के मौके ढूंढ रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक उनका मानना है कि भले ही बाजार गिर भी जाए लेकिन ज्यादा एक्शन स्टॉक स्पेसिफिक देखने को मिलेगा और तेजी के स्टॉक्स आपके लिए लेके आएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं आपके लिए 4 सेल कॉल और 6 बाय कॉल्स लेके आऊँ। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट है कि कल जो स्टॉक्स आपको बताए गए थे वहां कैसा परफॉर्मेंस देखने को मिला है, पहले उसी की चर्चा कर लेते हैं। मेरे जो स्टॉक्स हैं वो आपके सामने रख देते हैं। कल लॉजिस्टिक्स शेयरों में जमकर एक्शन देखने को मिला था। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स मैंने आपको बताया था 14% की तेजी वहां देखने को मिली। इसके अलावा गति महिंद्रा लॉजिस्टिक्स यहाँ पे भी 1.5-3% तक का एक्शन देखने को मिला था। बैटरी वाली कंपनियों को लेकर कुछ अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं। तो मॉयल मैंगनीस एक प्रोडक्ट बनाती है जो उत्पादन करते हैं, उसका अभी ईवी में इस्तेमाल होगा, तो उस वजह से यहाँ पे भी तेजी थी। गुजरात एलपीस 2% ऊपर था। MSTC 3.5% के गेन थे और कावेरी सीड बायबैक अनाउंसमेंट से पहले आप देखिए 4% की मजबूती इस स्टॉक में भी देखने को मिली। तो लंबी लिस्ट थी जहां पे कल मार्केट में एक्शन देखने को मिला था। भले बाजार कमजोर थे लेकिन 10 में जो 7 स्टॉक्स हैं उनमें आप देखिए एक्शन जबरदस्त देखने को मिला था। आशीष, आपका परफॉर्मेंस? मैंने कल आपको बताया था कि मारुति में तेजी आ सकती है, 7000 के पार जाएगा, तो मारुति कमजोर बाजार में भी बढ़त के साथ बंद हुआ और लगभग 7050-7060 तक के स्तर छुए इसने। इसके अलावा MCX में ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट थी, वहां पर अपग्रेड देखने को मिला था रेटिंग में भी और जो टारगेट प्राइस है उसमें भी 5.5% की बढ़िया मजबूती के साथ ये स्टॉक बंद हुआ। इसके अलावा कुछ स्टॉक थे जिन्होंने गैप अप ओपनिंग दी, कुछ में स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए थे क्योंकि बाजार ने लास्ट आवर में जो बिकवारी देखी गई थी उसके हिसाब से थोड़ा ट्रेंड रिवर्सल हो गया। फिर भी MCX तो एक समय करीब 8% के आसपास की मजबूती भी दिखा रहा था। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे, खासतौर पर मारुति देखी जो 5500 से चलना शुरू हुआ। आशीष, आपको कह भी रहे थे कि 7000 तक के जो लेवल्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो भले दो स्टॉक्स हैं जो कि आउट परफॉर्म किए, लेकिन फिर भी ये FNO साइड के स्टॉक्स हैं और जमकर एक्शन इन दोनों स्टॉक्स में देखने को मिल रहा था। मारुति कन्विक्शन था आशीष का और MCX में तो दिन में 8-9% तक की तेजी भी दिन के दौरान देखने को मिली थी। अब शुरू करते हैं आज किस तरह से एक्शन देखने को मिलेगा। पहला स्टॉक कौन सा होगा जो आप कह रहे हैं कि सारी खरीदारी के ट्रेड से? आज खबरों के बेसिस पे मैंने एक स्टॉक चूज किया है, RPP इंफ्रा है, और पूरी संभावना है स्टॉक आपको ऊपरी स्तर पर दिखे, यानी ऊपरी सर्किट पर देखने को मिले, क्योंकि इसका मार्केट कैप कंपनी का मैं देख रहा हूँ 246 करोड़ है। और खबर आ रही है कि इनको म्यांमार से ऑर्डर मिला है 2 लेन रोड बनाने के लिए और जो ऑर्डर की वैल्यू है 414 करोड़ की, यानी मार्केट कैप से ज्यादा का ऑर्डर मिला है। अरे बाप, पूरी संभावना है इसमें। फिर भी मैंने काफी कंजर्वेटिव होके दिया है क्योंकि इंफ्रा स्टॉक है, इसमें खाली सिर्फ 108 रुपए का लक्ष्य मैं दे रहा हूँ, 102 रुपए का स्टॉप लॉस, यानी 102 रुपए का स्टॉप लॉस तो आप जरूर फॉलो करिएगा और अगर बढ़त हो तो ट्रेल कीजिए, मौका मिले तो जरूर इसमें खरीदारी करिए। RPP इंफ्रा मेरी तरफ से पहला स्टॉक होगा। दूसरा, अभी मैं शुरुआत करूंगा कुछ फर्टिलाइजर स्टॉक्स के साथ जहां पर मुझे लग रहा है कि आज एक्शन अभी भी ड्यू है। कल तेजी देखी गई थी फर्टिलाइजर स्टॉक्स में लेकिन अभी भी ड्यू है और मार्केट में अब जैसे उछाल आया था थोड़े से साइडलाइन हो गए थे, अब मुझे लगता है कि फर्टिलाइजर स्टॉक फिर से फोकस में आएंगे।
जीएनएफसी इसका प्रबल दावेदार है। 220 रुपए के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी कीजिए, 208 रुपए का आप स्टॉप लॉस रखेंगे। फर्टिलाइजर स्टॉक्स भी एक्शन में रहेंगे, इनफैक्ट कल भी थोड़े कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जो कि एक्शन में नजर आते हुए दिख रहे थे। मेरी लिस्ट में भी पहले दो नाम अगर आप देखें तो फर्टिलाइजर स्पेस से ही है। पहला नाम है मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर, दूसरा है मद्रास फर्टिलाइजर। छोटे टिकट साइज वाले जो ट्रेडर्स के फेवरेट स्टॉक्स हैं वो आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। जो डीबीटी की प्रक्रिया है उसमें तेजी हो सकती है, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर है। और पीएम के जो प्रधान सचिव है उनकी आज अधिकारियों के साथ बैठक है, जिसमें माना जा रहा है कि जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है उसके ऊपर इस बैठक में विचार, उसके ऊपर चर्चा होती हुई दिखेगी। बैठक में वित्त, एग्री, फर्टिलाइजर सचिव भी होंगे शामिल। तो जो पूरा सब्सिडी का मामला है उसके ऊपर विचार होगा, और उसके साथ साथ जो डीबीटी को कैसे और आगे पुश किया जाए ये पूरा दारमदार होगा इस बैठक में। ये जितने भी फर्टिलाइजर स्टॉक्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। ऑलरेडी देखा जाए तो डीबीटी काफ़ी राज्यों तक पहुंच भी चुका है, उसकी रीच जो है और आगे बढ़ाने के लिए, उसको और आगे लागू करने के लिए ये जो फैसला है आज बैठक में आता वो दिखेगा। तो ये फर्टिलाइजर स्टॉक्स के लिए काफ़ी अच्छी खबर हो सकती है। 39 का टारगेट होगा आज के लिए मैंगलोर केमिकल्स में, और मद्रास फर्टिलाइजर में 25 रुपये तक की चाल आ सकती है। आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 22.60 रुपये के आसपास का है। तीसरा स्टॉक आज अगले स्टॉक्स भी जो है वो फर्टिलाइजर सेक्टर से होंगे। RCF ये भी छोटे टिकट साइज का है, 52 रुपीज़ के लक्ष्य के लिए आप जिसमें खरीदारी करिए, 48 रुपीज़ का आप स्टॉप लॉस रखेंगे। एक और कोरोमंडल इंटरनेशनल, यहाँ पर भी आज आपको खरीदारी करनी है, 430 रुपये के लक्ष्य हासिल होते हुए दिख सकते हैं, 410 रुपये का आप स्टॉप लॉस रखेंगे। तीसरा नाम भी फर्टिलाइजर स्पेस से ही है, वो है GSFC का। यहाँ पे भी आप देखिए तो जो टिकट साइज है वो काफ़ी छोटा है, 100 रुपये के नीचे का ये स्टॉक आपको नजर आएगा, और एक्शन यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है क्योंकि इनका भी फर्टिलाइजर में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है। तो उस लिहाज से अगर DBT को लेकर खबरें आती हैं तो पूरा जो फर्टिलाइजर स्पेस है उनके लिए बहुत बड़ी राहत की बात होगी। 90 रुपये का टारगेट आज के लिए GSFC में, 84 रुपये के आसपास का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। लेकिन इसके साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, हो सकता है आशीष आप थोड़े हैरान हो लेकिन यहाँ पे बिकवाली करने की राय है। एक तो वैसे भी कल भी बाजार कमजोर था, ये PSU बैंक्स गिर भी रहे थे, और आज एक मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने इसको डाउनग्रेड किया है, रेटिंग घटा दी उन्होंने, इक्वल वेट कर दी है, और टारगेट प्राइस दिया है 330 रुपये का। एसेट क्वालिटी की चिंताएं हैं, मार्जिन्स पे उनका मानना है कि आगे चलते हुए असर देखने को मिलेगा, और टैक्स कटौती की वजह से उन्होंने ये तो कहा है कि 5% हम इनका जो EPS अनुमान है वो बढ़ा रहे हैं लेकिन जो रेटिंग है उसे डाउनग्रेड कर दिया है। तो उस लिहाज से SBI में हो सकता है कि आज जो 300 का की लेवल है वो टूटता हुआ देखे, और 290 रुपये तक के टारगेट्स भी आ सकते हैं। लेकिन आप स्टॉप लॉस रख लीजिए 305 रुपये के आसपास का। आप अपना जो मुनाफा है 290 की बजाय 292-293 के आसपास भी बांध सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो डाउनसाइड है वो शायद 290 रुपये तक की भी आ सकती है, और यही एक तबका है जो हो सकता है बाजार में सबसे ज़्यादा प्रेशर आज डालता हुआ दिखेगा। पांचवा स्टॉक मेरी तरफ से PTC इंडिया, यहाँ पर खरीदारी करनी 58 रुपये के लक्ष्य के लिए, 55.70 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना है। कंपनी अपनी 2 यूनिट बेचने की योजना बना रही है जिससे वो करीब 2000 करोड़ जुटाएंगे। मैं देख रहा था कि कंपनी का कर्ज काफ़ी ज़्यादा है, 13,000 के आसपास का कर्ज है कंपनी के पास। तो कहाँ पर कोई भी असेट मोनेटाइजेशन होता है, कुछ भी असेट बिकवाली होती है जिसका डेट रीपेमेंट में काम होगा, तो ये पॉजिटिव माना जाएगा स्टॉक के लिए। 58 रुपये के लक्ष्य आज हासिल हो सकते हैं PTC इंडिया में। अगला जो शेयर मेरी लिस्ट में है वो भी एक बिकवाली का ट्रेड है, मदसन सुमी का। आज के लिए केवल इंट्राडे के लिहाज से स्टॉक में बिकवाली करने की राय, 115 रुपये के आसपास स्टॉक अवेलेबल है। 96-94 के आसपास स्टॉक चलना शुरू हुआ था और अब देखिए 115 रुपये के आसपास अवेलेबल है। जिस तरह से ट्रेड वॉर को लेकर खबरें आई हैं, ट्रंप साहब ने कल जो UN में बयान दिया है कि चाइना के साथ हम खराब डील नहीं करेंगे, बैड डील नहीं करेंगे, चाइना के साथ जो ट्रेड डील है उसका इंपैक्ट आप देखिए क्रूड में किस तरह से देखने को मिला। देखिए पूरा जो दारमदार है अब इस चीज़ पे है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते से जो दोनों देशों के बीच में बातचीत होनी है शायद वहाँ पे एक सुलह बनती हुई दिखे। इस चीज़ को कहीं ना कहीं बाजार ने पूरी तरह से फैक्टर इन कर रखा है। मदरसन सुमी भी आप देखिए इसी वजह से लो लेवल से चला भी था, और अब अगर आप देखें हाई लेवल से शॉर्ट करने का बेहतरीन मौका है। एक तो वैसे भी जो इंडियन मार्केट्स में एक खबर आई थी कि जो कॉर्पोरेट टैक्स कट्स हुए हैं उससे ऑटो कंपनियों को हो सकता है काफ़ी फायदा हो, जो ग्राहकों को पास ऑन कर दे तो बिक्री बढ़नी शुरू हो जाएगी। लेकिन सियाम के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी ओर से एक बयान निकल के सामने आया कि जो टैक्स कटौती हुई है इंडिया में इससे स्लोडाउन डायरेक्टली एड्रेस हो जाएगा, ऐसी तो उनको उम्मीद कम नजर आती है। तो उस लिहाज से देखा जाए ऑटो स्टॉक्स में आप देखिए कल भी प्रेशर देखने को मिल रहा था, तो अगर ऑटो स्टॉक्स गिरने हैं फिर जाहिर सी बात है जो ऑटो एंसिलरी कंपनियां हैं उनमें भी इंट्राडे के लिहाज से सही लेकिन एक गिरावट तो आना लाजमी बनता है। इसलिए मदरसन सुमी दोहरा एक्शन है नीचे की ओर देखने को मिल सकता है। 110 रुपये आज का टारगेट प्राइस है, 116 रुपये के आसपास का एहतियात के तौर पर आप सही एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चलिए। चलिए रिकैप कर लेते हैं, 10 स्टॉक्स आपके सामने हैं। मैंने जो स्टॉक्स आपको बताए उसमें 3 खरीदारी के और 2 बिकवाली के ट्रेड है। तीनों जो स्टॉक्स खरीदारी के हैं वो फर्टिलाइजर क्षेत्र से हैं, मैंगलोर केमिकल्स, मद्रास फर्टिलाइजर और GSFC, क्योंकि DBT को लेकर जो प्रक्रिया है शायद और तेज हो सकती है। आज एक
आला अधिकारियों की बैठक भी है वित्त मंत्रालय में, तो 39 का टारगेट होगा मैंग्लो केमिकल्स में, मद्रास फर्टिलाइजर में 25 रुपये और 90 रुपये तक की चाल आ सकती है जीएसएफसी में। एसबीआई में शॉर्ट करके चले मॉर्गन स्टैनली ने रेटिंग को डाउनग्रेड किया है, 290 रुपये का टारगेट प्राइस होगा। मदरसन सुमी जिसा से ट्रेड वॉर को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं, हो सकता है स्टॉक थोड़ा सा करेक्ट हो जाए, 110 रुपये के टारगेट इंटरडे में आ सकते हैं, 116 रुपये का स्टॉप लॉस रख लीजिए। चलिए तो मैंने आपको 5 खरीदारी वाले स्टॉक बताए थे, शुरुआत की थी मैंने आरपीपी इंफ्रा से, कंपनी को काफी बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है 414 करोड़ का, अपर सर्किट पर जा सकता है, 102 रुपये का एहतियातन आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इसके अलावा फर्टिलाइजर स्टॉक्स आज काफी फोकस में रहेंगे, जीएनएफसी 220 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए, 208 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। आरसीएफ में 52 रुपये तक के लक्ष्य आज हासिल होते हुए दिख सकते हैं। और एक और स्टॉक है फर्टिलाइजर से कोरोमंडल इंटरनेशनल, यहां पर 430 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। पांचवा स्टॉक मेरी सूची में जहां पर आपको खरीदारी करनी है पीटीसी इंडिया, 58 रुपये तक के लक्ष्य आज हासिल हो सकते हैं। 10 स्टॉक्स हमने आपको बताए हैं, मैंने आपको 2 सेल कॉल्स बताए थे और मेरी सूची में जो अगला नाम है वो भी एक सेल कॉल ही है, इनफैक्ट टाटा मोटर्स, यहाँ पे आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। मैंने आपको मदरसन सुमी बताया था, जिस तरह से ट्रेड वॉर फिर से गहराता हुआ दिख रहा है, कल जो ट्रंप साहब का बयान आया उसके बाद हो सकता है कि टाटा मोटर्स जो कि अच्छी चाल चल चुका है 130-131 के आसपास आ चुका है, यहाँ पे भी हो सकता है कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखिए। कल भी बाजार कमजोर था, ये स्टॉक करीब 2.5% के आसपास की मजबूती के साथ बंद हुआ है, तो अब मुनाफा वसूली का काफी अच्छा मौका बनता है। संकेत वैसे भी खराब है और ट्रेड वॉर को लेकर जो न्यूज फ्लो है वो भी सपोर्टिव नहीं है, तो 125 रुपये ये आज का टारगेट प्राइस है, स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्टली आप मेंटेन कीजिए 133 रुपये के आसपास का। दूसरा नाम है आरबीएल बैंक का, यहाँ पे भी मुनाफा वसूली आप कर सकते हैं। देखिए जब गिर रहा था ये बैंक तो गिरने में मोमेंटम बहुत स्ट्रांग था, और अब जब ऊपर आया लो लेवल से शॉर्ट कवरिंग हुई है तो शॉर्ट कवरिंग भी काफी स्ट्रांग इस बैंक में देखने को मिली है। लेकिन आज चूंकि ये बहुत चल चुका है 2-3 दिन में, तो अब जो एक्सपायरी का मूव है वो पहले से आप देखिए मार्केट कहीं ना कहीं एंटिसिपेट करने की कोशिश कर रहा है, जो तेजी बनी है अब उसको कहीं ना कहीं मुनाफा वसूली के तौर पर मार्केट लेता हुआ देख रहा है, तो 390 रुपये के जो टारगेट प्राइस है वो आरबीएल बैंक में भी देखने को मिल सकते हैं। केवल इंटरडे के लिए आज आपको कॉल सुझाई जा रही है, 405 रुपये के आसपास का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। आरबीएल बैंक में भी अगर ऊपर भी खुलता है तो भी आप अपने जो शॉर्ट्स हैं वो इनिशिएट कर सकते हैं। बजाज इलेक्ट्रिकल्स में आज तेजी देखने को मिल सकती है, 413 रुपये तक के लक्ष्य हासिल हो सकते हैं, 396 रुपये का आप स्टॉप लॉस रखेंगे। खबर आ रही है कि कंपनी QIP के जरिए 500 करोड़ जुटाने की योजना बना रही है, जिसका इस्तेमाल वो कर्ज घटाने में करेंगे। 1580 करोड़ का कर्ज है, जिसकी वजह से आप देखिए कि इसको मल्टीपल बराबर नहीं मिल पाता है। कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में सबसे सस्ती कंपनी 29 के मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है, अगर ये कर्ज कम करते हैं बिल्कुल भी तो काफी पॉजिटिव माना जाएगा बजाज इलेक्ट्रिकल के लिए। 413 रुपये के लक्ष्य आज इसमें देखने को मिल सकते हैं। एक और खरीदारी का स्टॉक रेमंड, यहां पर नैरो रेंज ब्रेकआउट हुआ है, कल के सत्र में तेजी देखने को मिली थी, 608 रुपये तक के लक्ष्य हासिल हो सकते हैं, 585 रुपये का आप स्टॉप लॉस रखेंगे। अगला नाम है लिस्ट में खरीदारी का ट्रेड है वो है वॉरेन बेवरेजेस का, यहाँ पे एक सीलेसे की रिपोर्ट आई, इसमें उन्होंने खरीदारी की राय तो मेंटेन रखी, टारगेट प्राइस को ऊपर की ओर रिवाइज किया है, पहले 783 था अब उसे बढ़ाकर 860 रुपये कर दिया, कल की क्लोजिंग आप देखिए 640 रुपये के आसपास की हुई है शायद, हाँ 640 रुपये पे, अब हो सकता है कि इस रिपोर्ट के बेसिस पे अच्छा एक्शन स्टॉक पे बनता हो देखिए, क्योंकि पहले भी आप देखिए सीएलएसी की ओर से जब खरीदारी की राय स्टॉक में आई है तो काफी अच्छा स्टॉक चला था, बाजार की करेक्शन के साथ ये करेक्ट हुआ, लेकिन तेजी में भी इसने पार्टिसिपेट ज्यादा नहीं किया है, तो आज ये जो रिपोर्ट है हो सकता है स्टॉक में दम भरती हो देखिए, 660 रुपये ये आज का टारगेट प्राइस है, 632 रुपये का आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख लीजिए। जो अगला नाम है वो है टीवीएस मोटर का बिकवाली की राय है, आशीष साहब सोच रहे हैं मैंने तो कहा था 2 ही आपको सेल कॉल्स बताऊंगा, लेकिन मेरा जो कन्विक्शन है वो बिकवाली की और या तो फिर मुनाफा वसूली में ज्यादा मुझे लगता है कि मार्केट में ज्यादा फोकस होगा, इसलिए मैंने अब तीसरा नाम भी आपके सामने रख रहा हूँ, एक स्टॉक मैंने बदला है टीवीएस मोटर अगला नाम है, यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली की इनफैक्ट एक रिपोर्ट आई, उन्होंने अंडरवेट की रेटिंग दी है, और टीवीएस मोटर आप देखिए जब ऑटो स्टॉक्स चले थे इसी उम्मीद में कि शायद एक जीएसटी कटौती हो जाएगी तो टीवीएस मोटर सबसे ज्यादा तेजी से चलने वाला स्टॉक भी था, तो उस लिहाज से देखा जाए कुछ ऐसा हुआ नहीं है, और खासतौर पर सीएम प्रेसिडेंट के जो कमेंट्स आए हैं कि डायरेक्टली स्लो डाउन एड्रेस हो जाएगा ऐसी उम्मीद तो आप ना ही करके चलिए कॉर्पोरेट टैक्स रेट से, तो बिकवाली करें या तो फिर मुनाफा वसूली कह सकते हैं, 400 रुपये तक के टारगेट्स आ सकते हैं, 422 रुपये के आसपास का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। मेरी सूची में अगला कॉल जहां पर खरीदारी करनी है थर्मैक्स, बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला है, 1182 रुपये तक के आपको लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं, 1128 रुपये का आप स्टॉप लॉस रखेंगे, टेक्निकल पैटर्न काफी स्ट्रांग है, तेजी देखने को मिल सकती है आज थर्मैक्स के अंदर, आप खरीदारी कीजिए। इसके अलावा एक और स्टॉक जहां पर खरीदारी करनी है अदानी पावर, काफी बढ़िया रुझान है, बढ़िया मोमेंटम है और मल्टी ईयर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, लंबा पैटर्न है तो अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, मेरे हिसाब से आज ही आपको 70 रुपये से ऊपर के लक्ष्य हासिल होते हुए दिखेंगे,
66 रुपए का आप स्टॉप लॉस रखेंगे। 70 रुपए का टारगेट अदानी पावर में, इनफैक्ट बहुत अच्छा चला है ये स्टॉक का। जब से इनके वो मुंद्रा पावर प्लांट को लेकर खबर आई है तब से स्टॉक में वन वे रैली कह सकते हैं आप देखने को मिले। और कई बार तो ऐसा होता था ये बैन में ही रहता था, यहाँ पे इतनी पोजीशंस बनती हुई दिखती थी। मेरी लिस्ट में जो आखिरी नाम है आज के लिए वो है कावेरी सीड का। देखिए कल भी स्टॉक आपको बताया गया था, अच्छा खासा मूव स्टॉक पे देखने को मिला था, बायबैक को लेकर बोर्ड बैठक थी। उससे पहले आप देखिए 4% की मजबूती लेकर स्टॉक बंद हुआ था। हो सकता है जो अप मूव है आज भी सस्टेन करता हो। देखिए वो इसलिए क्योंकि कल जो बैठक हुई थी, जो बायबैक को मंजूरी आई है वो तो एक ट्रिगर है ही है, लेकिन उसके साथ साथ आप देखिए जो इक्विटी का अमाउंट है, आप देखिए 4.44% इक्विटी, यानी कि करीब करीब 4.5% इक्विटी का ये बायबैक करते हुए दिखेंगे। अच्छा खासा ये आप कहना चाहिए इक्विटी का अमाउंट है। और प्राइस देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंडर रूट के जरिए होगा और 700 रुपये का प्राइस है जो कि इन्होंने घोषित किया है। कल की क्लोजिंग अगर आप देखें तो 545 के आसपास की, तो अच्छा खासा अपसाइड है जहाँ तक ये बायबैक के प्राइस की बात है और क्वांटिटी भी अच्छी खासी है। तो सब लोग जो टेंडर करेंगे तो हो सकता है कि जो एक्सेप्टेंस रेशो है वो भी काफ़ी अच्छी निकल के सामने आती हुई दिखे। तो कावेरी सीड में कल की तेजी के बाद अभी भी जिस तरह का अनाउंसमेंट हुआ है एक अपसाइड की गुंजाइश बनती है। 560-565 तक के टारगेट के लिए अप्रोच कीजिए, 542 रुपये के आसपास का आप यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। मेरी सूची में आखिरी स्टॉक जहां पर आपको खरीदारी करनी है नवीन फ्लोरिन। यहां पर चैनल ब्रेकआउट देखने को मिला है, डेली चार्ट्स पर 820 रुपए तक के लक्ष्य आज हासिल हो सकते हैं, 780 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। चलिए तो 10 शेयरों की सूची पूरी हो चुकी है, जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कौन से स्टॉक्स आपको बताए गए थे। मैंने 5 खरीदारी के, 5 बिकॉली के ट्रेड बताए। पहले 3 नाम फर्टिलाइजर स्पेस से हैं, मैंगलोर केमिकल, मद्रास फर्टिलाइजर, GSFC। जिस तरह से DBT को लेकर हो सकता है कि जो प्रक्रिया और तेज़ हो जाए, ये पूरा फर्टिलाइजर स्पेस के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। मैंगलोर केमिकल में 39.25 का टारगेट, मद्रास फर्टिलाइजर में और GSFC में 90 रुपये तक की चाल आ सकती है। SBI को आप शॉर्ट कर सकते हैं, मॉर्गन स्टैनली ने रेटिंग घटा दी, इक्वल वेट कर दी है, 290 का टारगेट लेकर इसको शॉर्ट कर सकते हैं। ट्रेड वॉर को लेकर जो अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं मदरसन सुमी के लिए पॉजिटिव नहीं, इंटरडे में हो सकता है कि आज 110 रुपये तक के टारगेट आ जाएं, शॉर्ट करने की राय होगी, 116 रुपये का आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। इसी से जुड़ा हुआ स्टॉक है टाटा मोटर्स का भी, जहां पे ट्रेड वॉर से जुड़ा हुआ कोई भी अनाउंसमेंट आता है काफी इंपैक्ट आता है, 125 का टारगेट लेके इसमें भी शॉर्ट कीजिए। RBL बैंक में भी मुनाफा वसूली हो सकता है कि आज हावी होती हुई देखिए हाल फिलहाल की तेजी के बाद, 390 रुपये का टारगेट होगा। वरुण बेवरेज में खरीदारी कीजिए, CLSA ने टारगेट प्राइस ऊपर की ओर रिवाइज किया है, 660 रुपये का टारगेट होगा आज के लिए। TVS मोटर में मॉर्गन स्टैनली ने 326 रुपये का टारगेट दिया, अंडरवेट की रेटिंग है, 400 का टारगेट लेके आज आप शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन कावेरी सीड जो बायबैक अनाउंसमेंट है पॉजिटिव है, अच्छी खासी इक्विटी भी है और 700 का प्राइस भी बहुत पॉजिटिव है, 560 रुपये आज का टारगेट प्राइस है, 542 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। चलिए मेरी सूची में सभी कॉल्स खरीदारी के हैं, शुरुआत की थी मैंने RPP इंफ्रा के साथ, यहाँ पर 102 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगाकर बाय पोजीशन ले सकते हैं। इसके अलावा GNFC, कोरोमंडल इंटरनेशनल और RCF, यहाँ पर आपको खरीदारी देखने को मिल सकती है। GNFC में 220 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, RCF में 52 रुपये का आप लक्ष्य हासिल होते हुए दिख सकते हैं। इसके अलावा PTC इंडिया में भी आज आपको तेजी देखने को मिल सकती है, बजाज इलेक्ट्रिकल्स 500 करोड़ का QIP लेके आएगा तो 413 रुपये के लक्ष्य इसमें देखने को मिल सकते हैं। रेमंड में नैरो रेंज ब्रेकआउट है, 608 रुपये के लक्ष्य आपको देखने को मिलेंगे। थर्मैक्स में भी ब्रेकआउट है, यहाँ पर तेजी देखने को मिलेगी, 1182 रुपये तक के लक्ष्य हासिल हो सकते हैं। अदानी पावर आज 70 के पार जा सकता है और आखिर में नवीन फ्लोरिन, यहाँ पर भी आज आपको तेजी देखने को मिल सकती है। चलिए तो 20 शेयरों की सूची आपके सामने है, 5 ट्रेड्स बिकवाली के हैं, बाकी सभी ट्रेड्स खरीदारी के हैं।